हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ करंट अफेयर्स से रिलेटेड लेकर आई हूं। आप लोगों ने हमारी वन लाइनर जीके सीरीज़ तथा यूपी टेट 2018 क्रैक करके रहेंगे, ये दो सीरीज़ बहुत ही अधिक पसंद की है। इसी के बेस पे मैंने आज तीसरी सीरीज़ शुरू करने की सोची है, करंट अफेयर। करंट अफेयर जो कि हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, रेलवे का हो, बैंक्स के हों, यूपीएससी का हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, टेट एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, केवीएस का एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर की भूमिका आप सभी को पता है, बहुत ही अहम भूमिका होती है करंट अफेयर्स की। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये सीरीज़ लाने की सोची है। तो हम लोग अक्टूबर 2018 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछले का करंट अफेयर्स तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ ही रखा होगा, लेकिन मैं ये गारंटी और श्योरिटी से कहती हूँ, जो करंट अफेयर्स मैं यहाँ बताऊँगी उसके अलावा आप लोगों को कोई भी करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवाऊँगी, ताकि आप एक बार इसको पढ़ लें सुन के, और प्लस इसका 5 मिनट का रिवीजन कभी भी, जब भी आप सफ़र कर रहे हो, कभी भी खाली हो, तो आप ये कर सकते हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें प्री के बाद मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसमें जो डिटेल्स करंट अफेयर्स होते हैं उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। आप कोई भी आंसर राइटिंग लिखते हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट तो पता होता है, लेकिन अगर आप उसके साथ करंट अफेयर्स में कि कोई जो लेटेस्ट हमारा चल रहा है आजकल का, वो अगर उसमें डाल देते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आपके क्वेश्चन में 4 चांद लग जाएंगे। आप एग्ज़ामिनर आपको नंबर देने से अपने हाथ को रोक नहीं पाएगा अगर आप करंट अफेयर्स का यूज़ अपने मेंस आंसर राइटिंग में करते हैं। तो ये बहुत ही आजमाई हुई ट्रिक है। नॉर्मल आंसर राइटिंग सभी करते हैं, लेकिन अगर करंट अफेयर्स को आपने अपने आंसर राइटिंग में डाला तो आपके नंबर औरों के मुकाबले बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। मैं इस करंट अफेयर्स सीरीज़ के फीचर्स कुछ इस वीडियो में बता देती हूँ। इसमें मैं आपको PDF तो प्रोवाइड करवाऊँगी ही, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। और इस करंट अफेयर्स के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। वन लाइनर जो कि प्री में काम आता है, उसके साथ साथ डिटेल्स मैं आपको बताऊँगी, और डिटेल्स के साथ साथ उसका बैकग्राउंड और हिस्ट्री भी मैं बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कोई न्यू कमर बच्चा होता है जिसको ये पता ही नहीं होता है कि ये किससे रिलेटेड चीज़ें हैं या करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड क्या है। तो उसकी भी मैं कोशिश करूँगी कि इसमें आपको हिस्ट्री बताऊँ, ताकि आपको पुराना पिछला करंट अफेयर्स भी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और इसकी स्पेशलिटी इस सीरीज़ की ये भी है कि 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं इसके MCQs लेकर आऊँगी। करीब 50 to 60 MCQs होंगे, जो कि पूरे मंथली करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। तो आपको बार बार इन करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप PDF डाउनलोड कर लेना हमारा। और एक और न्यू फीचर्स है इसमें, जो कि ऑडियंस के लिए है। जो भी हमारी ऑडियंस ये वीडियो देखेगी, उसको वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उन 2 क्वेश्चनों का, जो कि वीडियो से ही रिलेटेड होगा, पिछली वीडियो से हमारी, जो कि लास्ट वीडियो हमने अपलोड की होगी करंट अफेयर से, उससे रिलेटेड होगा। और जो भी ऑडियंस, जो फर्स्ट ऑडियंस हमें करेक्ट आंसर देगा इस क्वेश्चन का, उसके नाम हम अपनी वीडियो में सबसे पहले हाईलाइट करेंगे, और नाम उसके डिस्ट्रिक्ट के साथ बताएंगे कि इस ऑडियंस ने हमारे सबसे पहले हमारे वीडियो का आंसर कमेंट में। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप जितना शेयर करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो आज शुरू करते हैं हम 1 से लेकर 5 अक्टूबर 2018 तक के करंट अफेयर। इसी तरह मैं कुछ दिनों के करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आऊँगी, और एटलीस्ट 5 डेज़ के करंट अफेयर्स आपके सामने आएंगे, कि आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े और आप इनको रिवाइज भी कर सकें। और इसमें ऐसी न्यूज़ होगी जो सिर्फ आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, एक्स्ट्रा इसमें कोई भी न्यूज़ आपके लिए नहीं होगी जो आपको एग्ज़ाम में काम ना आए, ऐसी कोई न्यूज़ मैंने इसमें नहीं डाली है। और समितियाँ, जो भी संगठन हुए हैं जिसको कोई भी अवार्ड मिला है, सब इसके अंदर आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आप लोगों का टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए 1 से 5 अक्टूबर 2018 का करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा वन लाइनर, केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किस समिति का गठन किया है? तो इंजेती श्रीनिवास समिति का गठन किया गया है। इसके लिए इंजेती श्रीनिवास समिति। अब इसका मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देती हूँ। इंजेती श्रीनिवास कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के सचिव हैं। यह समिति मौजूदा फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगी और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रोड मैप तैयार करेगी। आप लोगों के दिमाग में ये सवाल गूंज रहा होगा कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। और यह अपनी बैठक के 3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। तो अगर कोई क्वेश्चन मेंस में इससे रिलेटेड आ गया, यूपीएससी का, एमपीपीसीएस का, यूपीपीसीएस का, कोई भी स्टेट पीसीएस का, तो आप इसको पूरी डिटेल लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। इसकी शुरुआत पर्यावरण तथा सामाजिक कल्याण कार्यों में कंपनियों के योगदान के लिए की गई थी। इसका मुख्य सिद्धांत है कि कंपनियां समाज से ही आय प्राप्त करती हैं, उन्हें भी समाज के लिए योगदान देना चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 135 की व्यवस्था की गई है। मौजूदा नियम के तहत CSR के बारे में निर्णय लेने की शक्ति कंपनी के बोर्ड को दी गई है। इस नियम के अनुसार 500 करोड़ के मूल्य अथवा 1000 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर अथवा 5 करोड़ से अधिक शुद्ध लाभ प्राप्त करने वाली कंपनी को पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभ का 2% CSR संबंधी कार्यों के लिए खर्च करना पड़ता है। CSR गतिविधियों का वर्णन 7वीं अनुसूची में दिया गया है। मैं आपको इसे सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ। ये जो 500 करोड़ 1000 करोड़, ये तो इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि इतना इतना इन कंपनियों को होना चाहिए। वैसे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है कि अगर कोई कंपनी समाज से कुछ अर्न करती है, कुछ ज़्यादा टर्नओवर अर्न करती है, तो उसे समाज के कार्यों में अपना योगदान देना चाहिए। वो सरकार कुछ परसेंटेज कंपनियों पर लगाती है कि आप अपने टर्नओवर का इतना परसेंट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आप समाज के कार्यों में लगाइए, खर्च कीजिए। इसकी समीक्षा करने के लिए ही सरकार ने कि ये जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म यूज़ की है सरकार ने, ये सही से काम कर रही है या नहीं, इंजेती श्रीनिवास समिति का गठन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में समाप्त हुए एशिया क्रिकेट कप 2018 में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे चुना गया है? क्रिकेट के प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये कि इंडिया ने बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर सातवीं बार एशिया क्रिकेट कप का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ किसे चुना गया है, ये तो आप लोगों ने मैच देखा होगा तो आप लोगों को पता ही होगा, शिखर धवन को चुना गया है। शिखर धवन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। इन्होंने 5 इनिंग्स और 342 रन्स बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में 90 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं और पाइपलाइन योजना का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया नरेंद्र मोदी ने, किस राज्य में किया? तो ये 190 करोड़ रुपए भी आपको याद रखने पड़ेंगे। किस राज्य में किया? गुजरात में किया। लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि गुजरात के किस जिले में किया? तो आनंद जिले के मुरार गांव में किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से रेल विरासत डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल आर्ट एंड कल्चर एसोसिएशन के। मैं इसकी डिटेल्स बताऊं इस क्वेश्चन की। इसका उद्देश्य भारतीय रेल विरासत का प्रदर्शन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करना है। भारतीय रेलवे विश्व के सबसे उत्कृष्ट रेलवों में से एक है। ये मैं भारतीय रेलवे की हिस्ट्री बता रही हूँ। भारतीय रेलवे का 1,51,000 किलोमीटर ट्रैक है, 7,000 स्टेशन हैं, 13 लाख कर्मचारी हैं तथा इसका इतिहास 160 वर्षों का है। पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में। नेक्स्ट, इसमें आगे ही देखिए मैंने ये दिया हुआ इसकी डिटेल। इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच हुई थी। देश के आर्थिक विकास में रेलवे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसके साथ नकली दवाओं की पहचान के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? जो आजकल देश में नकली दवाई चल रही है उसको पहचान के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ओरेकल के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ओरेकल कहाँ की कंपनी है? ओरेकल अमेरिका की बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंपनी है। यह कंपनी मुख्य रूप से डेटाबेस सॉफ्टवेयर, क्लाउड इंजीनियर्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है। इस समझौते द्वारा भारतीय दवा निर्माता तथा हेल्थ केयर को ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा नकली दवाओं की पहचान करने में सहायता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ किसके साथ प्रदान किया गया? दो लोगों को प्रदान किया गया, तो नरेंद्र मोदी को और किसके साथ दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है इमैनुअल मैक्रॉन। इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको बताती हूँ क्या है। यह पुरस्कार 3 अक्टूबर 2018 को प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने प्रदान किया। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस। इस पुरस्कार की घोषणा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ की 73वीं महासभा में 26 सितंबर 2018 को की गई थी। आगे, यह पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ सरकार, सिविल सोसाइटी तथा निजी क्षेत्रों के लोगों द्वारा पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव डालने वाले उपायों को सम्मानित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया है। यह पुरस्कार नीति आधारित नेतृत्व संवर्ग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रॉन को अंतर्राष्ट्रीय सौर समझौते को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को वर्ष 2022 तक एकल अनुप्रयोग प्लास्टिक को बंद करने के वादे तथा राष्ट्रपति मैक्रॉन के वैश्विक पर्यावरण संधि के क्षेत्र में किए गए कार्यों को भी ध्यान में दिया गया है। ये जो काम इन लोगों ने किए हैं इसके बेस पे इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र सभा में दिया गया 3 अक्टूबर 2018 को। ये मेंस ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग मत भूलिएगा। इसमें जो भी डिटेल दी गई है सारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2018 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जेम्स पी एलिसन को किसके साथ संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा 1 अक्टूबर 2018 को की गई? ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको घोषणा की गई तासुकु होंजो के साथ। जेम्स पी एलिसन और तासुकु होंजो को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये दो नाम आप याद रख लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये क्वेश्चन। मैं इसकी डिटेल बताऊं आप लोगों को। इनको कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में इम्यून चेकपॉइंट थेरेपी की खोज के लिए वर्ष 2018 का पुरस्कार प्रदान किया गया। इन वैज्ञानिकों ने मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का प्रयोग कर कैंसर की कोशिकाओं को रोकने का तरीका विकसित किया। एलिसन ने प्रतिरोध क्षमता से जुड़े प्रोटीन का अध्ययन किया, जबकि होंजो ने इसी प्रकार के प्रोटीन से जुड़ी एक अलग प्रणाली का अध्ययन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी में किसे प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। पहले हमने चिकित्सा के क्षेत्र में देखा था, अब देखेंगे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो 3 लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, आर्थर एशकिन को, गेरार्ड मोरू को और डोन्ना स्ट्रिकलैंड को। इसके बारे में आपको डिटेल बता देती हूँ, उससे पहले बता दूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर एग्जाम में आएगा आपके। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम 28 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए ये सब क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। नाम देखिए कि ये कौन से देश के या कौन सी कंट्री के हैं जिनको पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उनकी कंट्री भी याद करना मत भूलिएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक आर्थर एशकिन, फ्रांसीसिक इंजीनियर गेरार्ड मोरू और ब्रिटिश प्रोफेसर डोन्ना स्ट्रिकलैंड को वर्ष 2018 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा की गई। तो तीनों के देशों के नाम हमने बता दिए हैं आपको। लेज़र भौतिकी पर किए गए अध्ययन के लिए इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। कौन से भौतिकी पे? लेज़र भौतिकी पे। एशकिन को ऑप्टिकल ट्विजर्स तथा बायोलॉजिकल प्रणालियों में उनके प्रयोगों के लिए, मोरू और स्टिकर को अत्यधिक शक्तिशाली व बेहद छोटी ऑप्टिकल पल्सेस विकसित करने के उनके तरीकों के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2018 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? चलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, पक्का गारंटी है, तो इनको करना मत भूलिएगा। तो रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार फ्रांसिस एच अर्नाल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर को दिया गया है। इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूं, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 3 अक्टूबर 2018 को घोषणा की कि वर्ष 2018 के रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कार के आधे हिस्से पर फ्रांसिस एच अर्नाल्ड का अधिकार होगा, जबकि शेष आधे भाग पर जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर का बराबर बराबर का अधिकार होगा। मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। एक पार्ट मिलेगा फ्रांसिस एच अर्नाल्ड को और बाकी जो 2 पार्ट हैं, ये वाला और ये वाला हिस्सा, ये 2 बराबर बराबर बटेंगे जॉर्ज पी स्मिथ और सर ग्रेगरी पी विंटर को। फ्रांसिस अर्नाल्ड और जॉर्ज स्मिथ अमेरिकी तथा सर ग्रेगरी विंटर ब्रिटिश हैं। ये दिन के देशों के नाम याद रखना मत भूलिएगा। इन 3 वैज्ञानिकों ने एंजाइम्स की उत्पत्ति तथा उनका सफल प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। ऐसे एंजाइम का प्रयोग बायो ईंधन तथा फार्मा जैसे अनेकानेक क्षेत्रों में किया जाता है। किस भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त करने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त करने की घोषणा की है और यह भारतीय अमेरिकी हैं। यह घोषणा आईएमएफ की अध्यक्षा क्रिस्टिन लगार्ड ने 1 अक्टूबर 2018 को की। आगे इसके बारे में डिटेल है। वे मौरी ऑप्टाफेल्ड का स्थान लेंगी, इनका स्थान लेंगी ये, जिन्होंने जुलाई 2018 में घोषणा की थी कि वे वर्ष 2018 के अंत तक इस पद को छोड़ देंगे। गोपीनाथ वर्तमान में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की जॉन वास्त्रा प्रोफेसर हैं। गीता गोपीनाथ का जन्म भारत में हुआ तथा प्रारंभिक शिक्षा भी उनकी यहीं हुई है। ये इनकी हिस्ट्री है और दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स व वॉशिंगटन विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेने के बाद उन्होंने वर्ष 2018 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। चंदा कोचर के स्थान पर किसे आईसीआईसीआई बैंक का अगला प्रबंधक निदेशक या एमडी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? संदीप बख्शी को। चंदा कोचर ने अक्टूबर 2018 को आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। संदीप बख्शी को 5 वर्ष के लिए बैंक का अगला प्रबंधक निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। और चंदा कोचर ने क्यों छोड़ा इसको, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। चंदा कोचर द्वारा एक कॉरपोरेट समूह को ऋण देने में अपने परिजनों को अनुचित लाभ देने के आरोप की जांच के कारण काम नहीं संभाला था, मतलब कि ये इन पे आरोप लगे हुए थे, इसलिए उन्होंने काम छोड़ दिया था आईसीआईसी बैंक का। जून 2018 में इन आरोपों की जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक जांच समिति का भी गठन किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि किसकी अध्यक्षता में, आईसीआईसीआई की अध्यक्षा एमडी और सीईओ चंदा कोचर की आरोपों की जांच की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा न्यायमूर्ति श्री कृष्णा की अध्यक्षता में। सुप्रसिद्ध यात्री विमान बोइंग 747 ने 30 सितंबर 2018 को कितने वर्ष पूरे किए? तो इसने 50 वर्ष अपने पूरे कर लिए। कोई भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाइए, या तो 50 या तो 75 या 100, कोई वैसा वर्ष नहीं होगा जो कि राउंड फिगर ना हो। जम्बो जेट की उपाधि, जम्बो जेट भी बोइंग 747 को ही कहा जाता है, ये भी एक इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। जम्बो जेट की उपाधि से नवाजा गया पहला विमान 30 सितंबर 1968 को पहली बार अनावृत किया गया। कौन सी डेट? 30 सितंबर 1968, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट, मस्ट टू बी लर्न। 4 इंजन वाले इस भारी भरकम विमान को वास्तव में अमेरिकी वायुसेना के प्रयोग के लिए बनाया गया था। यात्रियों को ढोने की अपनी क्षमता के कारण इसने कम खर्च में अधिक राजस्व अर्जित किया तथा दुनिया भर के सुदूर स्थानों को अपनी पहुंच में ला दिया था। मतलब लोगों के लिए अब हवाई जहाज में यात्रा करना बहुत ही सरल हो गया था जम्बो जेट की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार डेनिस मुकवेंगे एवं नादिया मुराद को दिया गया। 5 अक्टूबर को नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा 2018 का शांति का नोबेल पुरस्कार कांगो के फिजिशियन डेनिस मुकवेगे और इराक के यजीदी समुदाय की नादिया मुराद को दिए जाने की घोषणा की गई है। इन्हें ये पुरस्कार यौन हिंसा को युद्ध या सशस्त्र संघर्ष के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत दिया जाएगा। किस कारण से दिया जाएगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये सब जो नोबेल पुरस्कार हैं, ये लोग ये क्वेश्चन आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी करेंगे, बहुत ज़रूरी है ये, तो इन सबको आप याद रखना मत भूलिएगा। चलिए यहीं ख़त्म होते हैं हमारे आज के ये क्वेश्चंस। आशा है आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, और इन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और बार बार रिवाइज़ कीजिए। आने वाली वीडियोस में आपसे इन्हीं वीडियोस से 2 क्वेश्चंस मैं पूछूँगी करंट अफेयर्स से, तो करंट अफेयर्स के मामले में अप टू डेट रहिए। और जो भी 2 फर्स्ट कमेंट करेंगे हमारे वीडियोस के आंसर का, उसका नाम मैं अपनी वीडियोस पे सबसे पहले हाईलाइट करूँगी, सबसे पहले दिखाऊँगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।